हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। जानेंगे कि आईपीपीबी अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सेविंग अकाउंट, जिसे बचत खाता कहते हैं। दूसरा होता है करंट अकाउंट, जिसे चालू खाता कहते हैं। सेविंग अकाउंट तीन तरीके के होते हैं, डिजिटल सेविंग अकाउंट, दूसरा है रेगुलर सेविंग अकाउंट, तीसरा है बेसिक सेविंग अकाउंट। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिजिटल बचत खाता यानी डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। जो व्यक्ति तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम है, वे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPBI मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं के लिए डिजिटल बचत खाता खोल सकते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या जो लोग टेक्नोलॉजी का सही ढंग से उपयोग करते हैं, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का IPPBI का जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं वो ऐप स्टोर पर जाकर IPPBI इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का एक जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप के माध्यम से ही खुद ही डिजिटल बचत खाता खोल सकते हैं। उसके लिए एक पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और जिनके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड है, सिर्फ वही डिजिटल बचत खाता खोल सकते हैं। यह ऐसा खाता है जो घर बैठे खोला जा सकता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसी बैंकिंग जो कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। इसलिए डिजिटल बचत खाते को खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कस्टमर है वो खुद अपने मोबाइल से IPPBI का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसके लिए शर्त थी 18 साल की एज और जिनके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों हो, वो इस खाते को खोल सकते हैं। खाते की विशेषताएँ एवं लाभ के बारे में जानते हैं। सुविधा अनुसार बैंकिंग है, आपके सुविधा के अनुसार बैंकिंग है कि आप घर बैठे भी खाता खोल सकते हो। खाता तुरंत और तत्काल खोलने की सुविधा है। खाता 2 से 4 मिनट में खोला जा सकता है, उसमें अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं। ब्याज है वो है 2.75% की वार्षिक ब्याज मिलती है, जो कि त्रैमासिक रूप से पे होती है, तिमाही रूप से भुगतान किया जाता है। और जो मंथली जैसे किसी मंथ में SBI वगैरह में 2000 या 3000 रुपये की जो लिमिट है उस खाते में रखने हैं, ऐसी यहाँ कोई लिमिट नहीं है। मासिक औसत राशि के रखरखाव की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस खाते को जीरो बैलेंस के साथ में खोला जा सकता है। अगर कोई अपने खाते का विवरण लेना चाहता है तो वो उसे ई विवरण ही ले सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंथली ई स्टेटमेंट अपना निकाल सकते हैं। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। अपने पैसे को किसी भी खाते में या किसी अदर के खाते में, किसी भी बैंक के खाते में उसे हम भेज सकते हैं। उसके लिए नाम मात्र के शुल्क लगते हैं, और इसे सरलतापूर्वक बिल का भुगतान है, जैसे लाइट का बिल है, पानी का बिल है, और भी अन्य जो बिल हैं उनको सरलतापूर्वक बिलों का भुगतान किया जा सकता है। और अपना मोबाइल है या DTH का रिचार्ज है या किसी और का रिचार्ज है, वो रिचार्ज की सुविधा भी इस IPPBI के ऐप में मिलती है, और इस खाते के माध्यम से आप वो सारे कार्य कर सकते हो। अब जानते हैं डिजिटल बचत खाता खोलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति की एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, और
जिस दिन खाता खोला है उसके 12 महीने में यानी एक साल में उसकी जो केवाईसी है वो पूरी हो जानी चाहिए। औपचारिक रूप से केवाईसी करवा लेनी चाहिए। केवाईसी के लिए आपको जो आईपी के एक्सेस पॉइंट हैं, एक्सेस पॉइंट पर जा सकते हो, या गांवों में रहते हो तो जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, जीडीएस होते हैं, या जो पोस्टमैन होते हैं, उनसे आप केवाईसी करवा सकते हो। अगर केवाईसी 12 महीने के अंदर नहीं करवाते हैं और उसकी औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है तो उस स्थिति में जो डिजिटल बचत खाता है, डिजिटल सेविंग अकाउंट है, वो ऑटोमेटिक रूप से 12 महीने बाद बंद कर दिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि 12 महीने के अंदर ही अंदर उसकी केवाईसी करवा लें। जो लोग 12 महीने के अंदर खाता खोलने के 12 महीने के अंदर यानी एक साल के बाद में अगर उसकी केवाईसी करवा लेते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी POSA, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो खाता है, पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है, उससे इस IPV के खाते को लिंक कर सकते हैं। और इस लिंक के माध्यम से, ये लिंक तभी पॉसिबल है जब 12 महीने के खाता खोलने के 12 महीने के अंदर कोई KYC करवा लेता है। तो दूसरों से अलग कैसे है ये खाता? ग्राहकों के लिए बहुभाषीय सेवा उपलब्ध है, यानी ऐप में मल्टी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और भी अन्य जितनी भी भाषाएं हैं उनमें ये ऐप अवेलेबल है। न्यूनतम जमा राशि की कोई बाध्यता नहीं है कि महीने में 2000 या 4000 या 3000 बैलेंस रखना ही है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी शुल्क लगते हैं वो नाम मात्र के शुल्क लगते हैं। ब्याज की दर है 2.75 एनुअल रूप से है, वार्षिक रूप से ब्याज है, और जो कि तिमाही रूप से भुगतान की जाती है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा सेविंग अकाउंट का टाइप है, बचत खाते का प्रकार है, नियमित बचत खाता यानी रेगुलर सेविंग अकाउंट। रेगुलर सेविंग अकाउंट है। इस खाते को खोलने के लिए आपको जो IPV बैंक है उसके एक्सेस पॉइंट पर जाना पड़ेगा, या फिर आप आपके द्वार पर बैंकिंग सेवा के माध्यम से इस खाते को खुलवा सकते हो। इस खाते का उपयोग ये है कि अगर किसी के पास में पैसा है और वो जमा कराना चाहता है तो वो पोस्ट ऑफिस के IPV अकाउंट में इस पैसे को जमा कर सकता है। इस जो कैश है उसका जितना भी पैसा है वो पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रहेगा, वो जब चाहें इसमें इस खाते में पैसे जमा कर सकते हैं और वो जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं, इसकी भी सुविधा दी गई है। और भी इसके कई लाभ हैं, जैसे इनके अतिरिक्त इस खाते में जमा धन पर ब्याज भी अर्जित किया जा सकता है, और इस खाते से नगद निकासी की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है। यानी अगर किसी के पास में, किसी के बैंक खाते में 10,000 रुपये हैं, वो एक बार में 1,000 रुपये निकालता है, उसके बाद में फिर वो 2,000 रुपये निकालना चाहता है तो उसके 2,000 रुपये निकाल दिए जाएंगे, फिर वो चाहता है कि उसके पैसे फिर उसको ज़रूरत पड़ी 2,000 रुपये की, तो वो इस तरीके से अपने पैसे कई बार जितनी भी ज़रूरत हो उतनी बार निकाल सकता है। नगद निकासी की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद देखते हैं खाते की प्रमुख विशेषताएं एवं लाभ। सबसे बड़ी सुविधा है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से बैंकिंग की सुविधा है, आपके द्वार पर भी इस खाते को खोला जा सकता है, आपके द्वार बैंकिंग की सुविधा को ले सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और उसके अलावा अन्य कोई कागज़ जैसे खाता खोलने के लिए फॉर्म वगैरह भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये खाता तत्काल रूप से खोला जाता है और ये पेपरलेस खाते खोले जाते हैं, जिस पर ब्याज है 2.75% की, जो कि वार्षिक रूप से होती है, पर एनुअल है, और लेकिन जो किस्त का भुगतान है वो तिमाही रूप से किया जाता है। और जो मंथली औसत शेष राशि है, जैसे किसी बैंक में 2,000 या 3,000 की जो भी लिमिट होती है कि मंथ में इतने तो कम से कम रखने ही रखने हैं, यहाँ पर इसकी भी कोई ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं, ऐसी कोई बाध्यता है नहीं। इस खाते को हम जीरो बैलेंस के साथ भी खोल सकते हैं।
अगर हमें ई स्टेटमेंट चाहिए, अपने खाते का विवरण चाहिए या मिनी स्टेटमेंट जैसे बोलते हैं वो चाहिए, तो वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मंथली का। QR कार्ड के माध्यम से आप सरलतापूर्वक बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। क्विक रेस्पॉन्स कार्ड होता है जिसको आप स्कैन करके कहीं दुकान पर परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आप पे कर सकते हो, और भी जैसे कई सुविधाएं हैं, या आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो उससे पेमेंट कर सकते हो QR कार्ड से। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप उस QR कार्ड से भी अपने पैसे एक्सिस पॉइंट से या किसी अन्य जगह से उस पैसे को निकाल सकते हो। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से भी इस खाते से फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पैसे को निकाल सकते हैं अपने किसी बैंक खाते में या किसी अन्य के खाते में भी इस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो बिल के पेमेंट हैं, बिल पेमेंट्स हैं, रिचार्ज वगैरह हैं, वो भी इस खाते के साथ में की जा सकती है, इस अकाउंट से वो सुविधा भी है। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से अगर इस खाते को जोड़ना चाहते हो तो उसकी भी लिंक की सुविधा दी गई है कि पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के साथ में इस खाते को लिंक किया जा सकता है। दूसरों से अलग कैसे है कि बिना किसी शुल्क के आपके द्वार पर, आपके घर पर ही खाता खोलने की सुविधा दी गई है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता के समय जब भी आपको ज़रूरत हो, जो आप अगर गाँव में रहते हो तो आपके पास में GDS है, उनको आप बुला सकते हो, उनसे आप पैसा निकलवा सकते हो, या जो भी पोस्टमैन है आप उनको घर पर बुला सकते हो, फ़ोन करके टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके बुला सकते हो, फिर उसके बाद में अगर आप पैसा लेना चाहते हो तो उनसे वो पैसा ले सकते हो। द्वार सेवा बैंकिंग के माध्यम से धन की उपलब्धता है, कैश आप निकाल सकते हो अपने घर पर ही बुलाकर। अगर आप चाहते हो कि आपके बिल का भुगतान है आपके गेट पर या आपके घर पर ही किया जाए तो ये भी सुविधा इस खाते के साथ में है, जो कि अन्य दूसरे खातों से या अन्य दूसरी बैंकों से इस खाते को अलग पहचान देती है। QR कार्ड के माध्यम से भी हम सरल रूप से और सिक्योर रूप से बैंकिंग कर सकते हैं। ग्राहकों के लिए बहुभाषी सेवाएँ उपलब्ध हैं, कई भाषाओं में सेवाएँ उपलब्ध हैं, हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में। न्यूनतम शेष राशि की भी कोई बाध्यता नहीं है कि कम से कम इतने रुपए रखने हैं, ऐसी इसमें कोई बाध्यता है नहीं, कोई लिमिट है नहीं, आप कितना भी पैसा रख सकते हो, जीरो बैलेंस भी रख सकते हो। जो भी चार्जेस लगते हैं फंड ट्रांसफ़र वगैरह पर, वो नाम मात्र के शुल्क हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, नाम मात्र के ही शुल्क हैं। इस खाते में अगर आपके पास में 2 लाख रुपए हैं और आपने इसमें से 80,000 का लेन देन कर लिया तो आपके पास में 1,20,000 रुपये बचते हैं। तो जो 1,20,000 रुपये बचते हैं, तो इस खाते की लिमिट है कि एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा इस खाते में पैसा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है और आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से खाता जुड़ा हुआ है तो ये 20,000 रुपये हैं वो सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, या फिर आप इन पैसे को निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा अधिक की राशि नहीं रख सकते हो। अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या डाकघर के बचत खाते से अगर आपका खाता लिंक है ये वाला, तो ऑटोमेटिक रूप से आपका जो 1,20,000 रुपये है, 1,20,000 रुपया है, वो उनमें से 20,000 रुपया डाकघर बचत खाते में पहुँच जाएगा और जो 1,00,000 रुपया है वो पोस्ट ऑफिस के IPB अकाउंट में ही रहेगा। इस तरीके से आपका पैसा सिक्योर रहेगा, लेकिन जो IPB की लिमिट है, इस खाते की जो लिमिट है, उसमें 1,00,000 रुपया ही रहेगा और बाकी जो बकाया पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में चला जाएगा। इसके माध्यम से जमा निकासी की भी कोई सीमा नहीं है कि आप कितना भी जमा कर सकते हो, कितनी बार भी जमा कर सकते हो, कितनी बार भी निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, इसकी भी कोई लिमिट इस खाते पर है नहीं। ब्याज दर देखते हैं। ब्याज दर 2.7% का वार्षिक दर है, 2.75% की वार्षिक ब्याज है, जो कि तिमाही रूप से भुगतान की जाती है। अगर आपको नियमित बचत खाता खोलने हैं तो द्वार पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेना है तो आप टोल फ्री नंबर 1-55-299 यानी 155-299 टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन करके
अपने द्वार पर GDS या पोस्टमैन को बुला करके आप बचत खाता खुलवा सकते हो अपने घर पर ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा खाता है बुनियादी बचत खाता, जिसे बेसिक सेविंग अकाउंट कहते हैं। इस बचत खाते में नियमित बचत खाते द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं एवं लाभ उपलब्ध हैं, लेकिन निकासी की संख्या की बाध्यता को छोड़कर, यानी जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है, जो नियमित बचत खाता है वो खाता और जो बुनियादी बचत खाता है ये लगभग एक ही समान है, लेकिन जो नियमित बचत खाता है जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं उसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है या ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि हमें कितना पैसा और कितनी बार में पैसा जमा करना है कि निकालना है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो बुनियादी बचत खाता है, जो बेसिक सेविंग अकाउंट है, उसमें केवल एक माह में 4 बार नगद निकासी की अनुमति होती है। यानी आपके पास में अगर 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है और आप पहली एक दिन में 10,000 रुपये निकाल लेते हो, उसके बाद में फिर आपने 5,000 रुपये निकाल लिए, उसके बाद में 2,000 रुपये निकाल लिए, फिर उसके बाद में आपने 4,000 रुपये निकाल लिए। अगर आप चाहते हो कि जो बकाया धनराशि है वो इसी महीने में 5वीं बार अगर निकालना चाहो तो वो नहीं निकलेगी, एक महीने में 4 बार ही पैसा इस खाते से निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है बुनियादी बचत खाते और नियमित बचत खाते में। नियमित जो रेगुलर बेसिक जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है, रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसमें इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं है कि आप एक महीने में 4 बार पैसा निकालते हो या 5 बार निकालते हो, उसमें कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हो, कितनी बार भी निकाल सकते हो। लेकिन जो बुनियादी बचत खाता है, बेसिक सेविंग अकाउंट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 4 बार ही आप निकासी कर सकते हो। बुनियादी बचत खाते का उद्देश्य क्या रहा, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बुनियादी बचत खाते का उद्देश्य प्राथमिक बैंकिंग सेवाओं को नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध कराना है। यानी जो भी चार्जेस लगते हैं बैंकिंग के वो इसमें इस खाते में कम लगते हैं और बैंकों की अपेक्षा में जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम चार्जेस पर ही, नाम मात्र के जो चार्जेस हैं 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये इस पर ही उपलब्ध कराते हैं। तो खाते की प्रमुख विशेषताएं और लाभ क्या है? आपके सुविधा अनुसार बैंकिंग है, तत्काल यानी तुरंत प्रभाव से या बहुत जल्दी खाता खुल जाता है और पेपरलेस खाता खोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ब्याज दर है वो सबके समान है, 2.75% वार्षिक वाली और तिमाही रूप से ब्याज का भुगतान किया जाता है। और इस पर भी जो मंथली जो मासिक औसत शेष राशि है कि जो महीने में 2,000 या 4,000 रुपये या 3,000 रुपये रखने की जो लिमिट है वो इस खाते में भी नहीं है। यहाँ भी किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, आप चाहो तो 0 बैलेंस भी रख सकते हो। खाता खुलवाते समय आप 0 बैलेंस से भी खाता खुलवा सकते हो, 1,000 रुपये से 100 रुपये से भी खुलवा सकते हो, 0 बैलेंस का भी खाता खुल जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपको ई स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा मंथली का। SMS के माध्यम से आप चाहते हो कि जो मिनी स्टेटमेंट है वो मिल जाए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। IPV का जो QR कार्ड के माध्यम से आप बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हो, आप पैसा निकाल सकते हो, उसके माध्यम से शॉपिंग वगैरह और बिल पे वगैरह कर सकते हो। जो क्विक रिस्पॉन्स कार्ड होता है, QR कार्ड होता है, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। और जो IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, उसके माध्यम से भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी बैंक खाते में अपने में कर सकते हो, अन्य के खाते में भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि इससे अगर कोई रिचार्ज वगैरह करना हो या बिल पेमेंट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। और आप चाहते हो कि जो आपका जो बचत खाता है, जो डाकघर में बचत खाता खुला हुआ है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, उससे अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इस खाते को उस खाते से भी जोड़ सकते हो। ये खाता दूसरों से अलग कैसे हुआ? ये अलग इस तरीके से कि ये आपके द्वार पर मुफ्त खाता, यानी बिना किसी चार्ज के, एक्स्ट्रा चार्ज लिए बिना ही आपके गेट पर भी ये खाता खोला जा सकता है, आपके घर पर भी ये खाता खोला जा सकता है। उसके लिए आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करोगे तो जो गाँवों में GDS है, ग्रामीण डाक सेवक है,
जो पोस्टमैन है वो घर पर जा कर के खाता खोलेंगे और उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो अगर आप चाहते हो कि आपके गेट पर ही या आपके घर पर ही आपको विड्रॉल करना है, कैश आपको निकालना है खाते में से, तो आप खाते में से भी अपना पैसा निकाल सकते हो। उसके लिए आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके आपके द्वार पर पैसे पहुंचा दिया जाएगा। आप अगर चाहते हो कि जो बिल का पेमेंट है वो भी आपके घर पर ही हो जाए, तो वो बिल का पेमेंट भी आप अपने घर पर या आपके द्वार पर किया जा सकता है। QR कार्ड मिलता है, QR कार्ड के माध्यम से आप बैंकिंग सेवाओं का और शॉपिंग वगैरह जैसे भी आप यूज़ करना चाहो उसको यूज कर सकते हो। ग्राहकों के लिए बहुभाषी सेवा में उपलब्ध है, कई लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और भी अन्य भाषाओं में ऐप अवेलेबल है और आप उसमें बहुभाषी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। और इस पर जो लिमिट है, मंथली की लिमिट है 2000-4000 रुपये रखने की, वो भी इस खाते में रखने की भी कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए ये खाता औरों से अलग हो जाता है। जो शुल्क लगते हैं ट्रांसफ़र के, फंड ट्रांसफ़र वगैरह के, जो नाम मात्र के शुल्क हैं, बस वो दो रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ही है, नाम मात्र के आपसे शुल्क लिए जाते हैं। इस खाते में भी आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। अगर 1 लाख ज़्यादा रखते हो तो वो ऑटोमेटिक आपके डाकघर के बचत खाता है, उसमें वो पैसा ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। और IPB का QR कार्ड है, उससे भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन इस खाते में एक बंदिश है कि एक माह में आप 4 बार नगद निकासी की अनुमति है, आप 4 बार से ज़्यादा आप अपना कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो, नगद पैसा नहीं निकाल सकते हो। ब्याज दरें देखते हैं, ब्याज दर 2.75 की है, वार्षिक दर है जो तिमाही रूप से आपको भुगतान किया जाता है। अगर आप टोल फ्री नंबर पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेना चाहते हो, बचत खाता खुलवाना चाहते हो, तो वो टोल फ्री नंबर है 1-55-299-1552-99 या 100, या इस तरीके से कह सकते हैं कि 155-299। अब जो IPB का दूसरा प्रकार है चालू खाता, वो चालू खाते के बारे में जानते हैं कि चालू खाता किस प्रकार से है। जो IPB के जो छोटे कारोबारी हैं, किराना दुकानदार हैं या छोटे व्यवसायी हैं, अगर उन व्यक्तियों को अपना चालू खाते की सुविधा लेनी है या चालू खाता खुलवाना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि IPB के चालू खाते के माध्यम से उनकी जो डिजिटल लेन देन की सुविधा है और उनकी जो आवश्यकता है, अगर उनको वो लेना चाहते हैं तो चालू खाता खुलवा सकते हैं और अपना कारोबार है, जो दुकान है वो चला सकते हैं। उसमें IPB का चालू खाता है वो सही रहता है और लाभदायक भी है। चालू खाता डाकघर के काउंटर पर या जो पोस्टमैन है या जो GDS के माध्यम से आप अपने द्वार पर खाता खुलवा सकते हो। चालू खाते को भी आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करेंगे तो आपके पास में GDS या पोस्टमैन पहुंच जाएंगे और आपके घर पर वो खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप एक्सेस पॉइंट या बैंक का जो एक्सेस पॉइंट है या जो डाकघर का काउंटर है वहाँ अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पर भी चालू खाता खोल दिया जाएगा। खाते की मुख्य विशेषताएं एवं लाभों के बारे में जानते हैं। हमारी सुविधा अनुसार बैंकिंग मिलती है इस खाते से, तत्काल खाता खोलने की सुविधा है, अर्जेंट खाता खुलवा सकते हो आप। और जो आपको मंथली जो कुछ रखना है पैसा, जो लिमिट होती है मासिक औसत शेष राशि की जो लिमिट होती है वो भी नाम मात्र की है, उसमें भी छूट दी गई है। और आप इसको 0 बैलेंस से भी खाता खुलवा सकते हो। आप चाहते हो कि SMS से जो आपका मिनी स्टेटमेंट है वो आप चाहते हो कि वो हमें मिल जाए, तो आप SMS के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट भी ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जो आपका E-स्टेटमेंट है, मंथली E-स्टेटमेंट है, आपने पूरे महीने में क्या किया है उसका विवरण आप लेना चाहते हो, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको उसका विवरण दे दिया जाएगा। IPB का जो QR कार्ड है उसके माध्यम से आप सफलतापूर्वक और सरलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक आप अपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से आप धन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने पैसे को किसी बैंक या किसी और अन्य खाते में अगर आप चाहते हो तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको बिल पेमेंट करना है या रिचार्ज करना है अपना, तो आप उसको भी इस खाते के माध्यम से कर सकते हो। दूसरों से अलग कैसे ये खाता, कि जो IPB मर्चेंट ऐप द्वारा स्वयं के लिए खाता खोलने की सुविधा है। जो IPB का जो नॉर्मल
ऐप है उससे नहीं, मर्चेंट का ऐप है उसके द्वारा आप स्वयं के लिए खुद का जो खाता खोलना चाहते हो वो खाता खोल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अन्य कोई सहायक सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाएं तो आप समय समय पर ग्रामीण डाक सेवक या पोस्टमैन को आपके द्वार पर अगर आप सुविधा लेना चाहते हो तो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हो और आपके पास में ग्रामीण डाक सेवक या जो पोस्टमैन है वो आपके द्वार पर पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कैश घर पर ही या आपके द्वार पर उपलब्ध कराया जाए तो आप उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो और ऑनलाइन रिक्वेस्ट के माध्यम से आपके पास में कोई ना कोई व्यक्ति ग्रामीण डाक सेवक या पोस्टमैन आपके पास पहुंच जाएगा और आपके धन की उपलब्धता को भी पूर्ण कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके अब जो बिल पेमेंट्स वगैरह हैं वो भी आपके घर पर ही हो जाएं तो इस खाते के माध्यम से आप उस सुविधा का भी लाभ ले सकते हो। आईपीबी का क्यूआर कार्ड के माध्यम से आप सरल और सुरक्षित रूप से बैंकिंग कर सकते हो। बहुभाषी सेवाएं भी उपलब्ध हैं लेकिन जो चार्जेस लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के ही चार्जेज हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ही चार्जेज हैं। और इस खाते पर भी नकद जमा और नकद निकासी की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है। आप महीने में 4, 5, 6, 10, 20 जितना भी आप चाहते हो वो आप उतना जमा या निकासी कर सकते हो। उस पर भी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 4 ही ट्रांजैक्शन करने हैं, ऐसी कोई लिमिट है नहीं, आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो।